अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन के अंदर देखेंगे एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई दो मेन डायरेक्शन ले लीजिए, कोई भी दो मेन डायरेक्शन आप लोग जब देखेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक ये मेन डायरेक्शन है, एक ये मेन डायरेक्शन है, एक ये मेन डायरेक्शन है और एक ये मेन डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स मैंने दी नॉर्थ और ईस्ट, अब मैं इन दोनों डायरेक्शन के बीच में अगर एंगल देखूं तो फ्रेंड्स आप लोग देख के बताइए ये कितना होगा एंगल, 90 डिग्री। अब कोई सी भी दो मेन डायरेक्शन ले लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए, अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट लूंगा तो भी फ्रेंड्स मेरे पास 90 डिग्री आएगा, वेस्ट और साउथ लूंगा तो भी फ्रेंड्स मेरे पास 90 डिग्री आएगा, ईस्ट और साउथ लूंगा तो भी फ्रेंड्स मेरे पास 90 डिग्री आएगा। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए फ्रेंड्स, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव यानी कि साथ में, यानी कि फ्रेंड्स अगर मैं नॉर्थ, ऐसा नहीं हो कि वेस्ट और सीधा मैं ईस्ट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं होगा, मैं कोई भी दो अगर कंसेक्यूटिव साथ आसपास वाली डायरेक्शंस लूं, एक ये ले ली एक इसके संग वाली ले ली तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 90 डिग्री, एक ये ले ली और इसके पास वाली ये ले ली, या ये ले लो या ये ले लो, तो फ्रेंड्स उन दोनों के बीच में मुझे क्या मिलेगा एंगल 90 डिग्री का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सब डायरेक्शंस की, आप कोई भी दो सब कंसेक्यूटिव सब डायरेक्शंस ले, मैंने एक ये ले ली कंसेक्यूटिव सब डायरेक्शन और इसके कंसेक्यूटिव एक ये ली, यानी मैंने एक ये डायरेक्शन ली और इसके पास वाली एक ये डायरेक्शन ली, तो इन दोनों के बीच में भी फ्रेंड्स जो एंगल होगा वो कैसा होगा 90 डिग्री का। ये देखो ये एंगल भी कैसा होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, ऐसा नहीं है आप ये ले लो और ये ले लो आपको सर इसके बीच में तो 90 डिग्री नहीं है, तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव यानी कि पास वाली, अगर एक ये ले रहा हूं मैं तो इसके पास ये है और इसके पास ये है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं तो भी 90 डिग्री, इसको ले रहे हैं तो भी 90 डिग्री, ऐसे आप कोई भी दो पेयर ले लीजिए डायरेक्शन के जो आस पास हो, यानी कि जो कंसेक्यूटिव डायरेक्शन के आप पेयर लेंगे तो उनके बीच में एंगल क्या मिलेगा 90 डिग्री, यानी कि दो पॉइंट क्या मिले कि कोई भी दो मेन डायरेक्शन हो, टू कंसेक्यूटिव मेन डायरेक्शंस हो तो उनके बीच में एंगल क्या होगा फ्रेंड्स 90 डिग्री। ऐसी फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट क्या है, टू कंसेक्यूटिव अगर सब डायरेक्शंस हो तो फ्रेंड्स एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब एक और बात देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कोई एक मेन डायरेक्शन लूं, एक मेन डायरेक्शन लूं और इसी के कंसेक्यूटिव एक सब डायरेक्शन ले लूं, इसी के कंसेक्यूटिव क्या ले लूं एक सब डायरेक्शन, तो इसके बीच में फ्रेंड्स एंगल कितना बनेगा आप लोग देख के बताइए कितना बन रहा है फ्रेंड्स 45 डिग्री। जैसे मैंने एक मेन डायरेक्शन ले ली है, ये है मेन डायरेक्शन, इसके साथ वाली एक सब डायरेक्शन या तो ये ले लो या ये ले लो, चलो मैंने ये ले लिया तो फ्रेंड्स इनके बीच में एंगल कितना आई 45 डिग्री, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा फ्रेंड्स 45 डिग्री। ये तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे रोटेशन का कॉन्सेप्ट, रोटेशन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा होगा अगर कोई एक मैं घड़ी लूं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक की जो नीडल होती है वो हमेशा कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, अगर ये 12 क्लॉक है तो फ्रेंड्स 3 क्लॉक तक आने के लिए उसको फ्रेंड्स कैसे मूव करना है ऐसे, उसकी जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और फ्रेंड्स इसी डायरेक्शन को इसीलिए हम कहते हैं क्या क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर फ्रेंड्स ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए अगर ये डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी फ्रेंड्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज का अपोजिट एंटी क्लॉक वाइज। अब फ्रेंड्स इस इन दोनों का कॉन्सेप्ट एंगल में बहुत यूज होता है, तो एंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। अब फ्रेंड्स अब हम एंगल के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आप लोग मुझे ये दोनों फिगर देख के बताइए कौन सी फिगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रही है और कौन सी फिगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख के समझ लिया होगा हम आ रहे हैं जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो के बाद 45, 45 के बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 135 डिग्री,
135 डिग्री के बाद 180 डिग्री पर 225 डिग्री, 225 डिग्री के बाद 270 डिग्री, 270 डिग्री पर 350 डिग्री एंड फाइनली 360 डिग्री। हमने पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया और उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच गए। तो फ्रेंड्स हमने कितना 360 डिग्री कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स ये ऐसे चल रहा था, ये वाला जो सर्किल है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये किसको, ये किस उसमें है, ये क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो 0 डिग्री यहां होगा, 45 डिग्री यहां होगा, 90 यहां होगा। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको डायरेक्शन के उससे जोड़ें तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था यहां नॉर्थ होता है, यहां साउथ होता है और यहां ईस्ट होता है और यहां वेस्ट होता है। और फ्रेंड्स वो सब डायरेक्शंस आप लोग जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि नॉर्थ और जो साउथ है वो दोनों अपोजिट होती है एक दूसरे के और उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, एंगल कितना है 180 डिग्री। ऐसे फ्रेंड्स ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखिए, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, 270 है, 270 माइनस 90 कितना हो गया फ्रेंड्स 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है फ्रेंड्स 180 डिग्री का। अब फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग देख लीजिए कि 0 ये रहा, 45 ये, 90 ये, ये कैसे फॉलो कर रहा है, ये ऐसे फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस चीज इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए फ्रेंड्स ये इसको फॉलो कर रहा था तो ये कैसा था क्लॉकवाइज, ये इसका अपोजिट फॉलो कर रहा है तो ये कैसा हो गया फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज।